क्या आपकी पूरणपोली इस प्रकार बनती है? अगर नहीं बनती तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने 10 इम्पोर्टेंट टिप्स बताए हैं और सारे टॉपिक्स, मतलब पूरन कैसे बनाते हैं, आटा किस प्रकार लगाना है, ऐसे सारे टॉपिक्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसके आपकी पूरणपोली परफेक्ट बनेगी ही बनेगी। तो आइए देखते हैं। पूरन कैसे बनता है, पूरन बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी बातें पहले हम देख लेते हैं। पूरन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप चना दाल ली है। अगर आपके पास इस प्रकार मेजरिंग कप ना हो तो किसी भी कटोरी से आप ले सकते हो। दाल में हम पानी डालकर अच्छे से धो लेते हैं। यहाँ पर दाल को धो लिया है मैंने। अब हम इसमें पानी डालकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रखना है। दाल भिगोने से क्या होता है? टिप नंबर 1, दाल को भिगोकर रखने से दाल काफ़ी जल्दी पकने में मदद होती है और वो सॉफ्ट भी होती है। तो यहाँ पर हम ढककर रख देते हैं। देखो यहाँ पर दाल काफ़ी फूल गई है। अब हम इस पानी को निकाल देते हैं और इसे पकने के लिए प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। टिप नंबर 2, दाल में पानी को कितना डालना है? 2 कप दाल के लिए यहाँ पर हम 3 कप और ये 1/2 कप पानी डालना है। दाल के 1 इंच ऊपर तक हमें पानी डालना है। दाल में पानी ज़्यादा ना हो, नहीं तो दाल गीली हो सकती है। तो यहाँ पर हमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम हीट पर सिर्फ 3 से 4 सीटी लगाना है। जब तक दाल उबल रही है तब तक हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। 2 कप चना दाल के लिए आटा हमें कितना लगाना है? तो यहाँ पर मैं रेशो बताती हूँ। देखो 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है और 1/2 कप जितनी हमें सूजी डालना है, मतलब ये टोटल सूजी और आटा, ये टोटल 1.5 कप जितना आटा लगाना है। इससे आपके 1617 पूरणपोली बनकर तैयार होगी। इसे बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है। पूरणपोली को नमकीन नहीं बनाना है, इसलिए नमक थोड़ा सा ही डालना है। अब आता है टिप नंबर 3, आटा लगाते समय इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल लेना है। यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है, इससे आटा सॉफ्ट हो जाता है। अब बारी आती है आटा लगाने की। आटा हमें कैसे लगाना है? आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। टिप नंबर 4, पूरणपोली के लिए हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। रोटी चपाती से थोड़ा सा ढीला आटा लगाना है, ज़्यादा ढीला नहीं। आटे और पूरणपोली की कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए। अगर आपका आटा ज़्यादा सख्त होगा तो पूरणपोली फट जाएगी और आटा आपके पूरन से भी नरम होगा, तभी भी आपकी पूरणपोली अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान रखिए कि दोनों की कंसिस्टेंसी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर आटे को रेस्ट देना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट रख देते हैं। तब तक के लिए हम पूरन बना लेते हैं। यहाँ पर कुकर ठंडा हो गया है, दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दाल को भिगोकर रखने से यही फायदा होता है कि दाल जल्दी से ऐसे सॉफ्ट पककर तैयार हो जाती है और पानी भी हिसाब से डालने से दाल परफेक्ट पक चुकी है। अब हमें दाल में जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देते हैं। इस प्रकार छन्नी से छानकर निकाल देते हैं। टिप नंबर 5, इस पानी को फेंकना नहीं है, इससे मराठी में बोलते हैं कटाची आमटी। ये रेसिपी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसका वीडियो YouTube पे देख सकते हो। अब हमें पूरन बनाने के लिए दाल को एक कढ़ाई में निकाल देते हैं। तो यहाँ पर शक्कर कितना डालना है? 2 कप दाल के लिए 2 कप से थोड़ा सा कम हमें शक्कर इसमें मिलानी है। देखिए टिप नंबर 6, जितनी आपने चना दाल ली है उससे थोड़े से कम हमें शक्कर की मात्रा लेनी है, तभी पूरणपोली मिठास में बराबर होगी। मिला देते हैं अच्छे से। आप यहाँ पर पूरा गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो या 1/2 गुड़ और 1/2 चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, पर विदर्भ में आमतौर पर शक्कर से ही पूरणपोली बनाई जाती है। पूरन ये पहले पतला होता जाएगा चीनी मेल्ट होने की वजह से, फिर बाद में धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। तो अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल लेते हैं।
एक चौथाई टीस्पून जायफल पाउडर और एक चौथाई टीस्पून नमक इसमें डाल लेना है। इलायची पाउडर से पूरन को टेस्ट बहुत अच्छी आती है और जायफल पाउडर से चना दाल डाइजेस्ट होने में मदद होती है। मिला देते हैं इन सारे चीज़ों को। चम्मच से चला कर देखिए, पूरन थोड़ा गाढ़ा लग रहा है ना, देखो इस तरह। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए हमें, चम्मच से ही आपको पता चल जाएगा। टिप नंबर 7, पूरन को हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं पकाना है, क्योंकि पूरन ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए यही सही कंसिस्टेंसी है पूरन की। अब ये पूरन को बारीक पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरन यंत्र का यूज़ किया है, इससे पूरन बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास ये पूरन यंत्र ना हो तो आप इसे मिक्सी में, या पूरन की जाली भी आती है उससे भी पूरन बना सकते हो। अगर आपका पूरन पतला हुआ तो क्या करना है, पूरन अगर पतला हुआ तो पूरन को कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर के लिए गैस पर पकाइए, आपका पूरन गाढ़ा हो जाएगा। या दूसरी चीज, पूरन को एक बड़े परात में निकाल कर पंखे के नीचे रख देने से भी पूरन गाढ़ा हो जाएगा। अगर पूरन गाढ़ा हुआ तो क्या करना है, पूरन अगर गाढ़ा हुआ तो पूरन में थोड़ा दूध मिला दीजिए और गैस पर थोड़ी देर उसे पकने देना है। तो इस प्रकार पूरन यहाँ पर अच्छे से तैयार हो गया है। अब चलते हैं आटे की तरफ। आटा अच्छे से सेट हो गया है, अभी आटे को और हमें गूंथना है। आटे में 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं और तेल जब तक सोख नहीं जाता तब तक हमें आटे को गूंथना है। टिप नंबर 8, आटे को इस प्रकार अच्छे से गूंथना है, इससे आटे में ग्लूटन तैयार होगा, एक चिपचिपाट तैयार होगा और आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आटा अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए। अब चलते हैं पूरन पोली बनाने की तरफ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटे साइज की आटे की लोई लेनी है, इसे इस प्रकार फैला लेते हैं, पूरन का गोला इसमें आ जाए इतना हमें आटे का साइज कर लेना है। अब ये इतना बड़ा साइज का पूरन का गोला लेना है। टिप नंबर 9, पूरन का गोला आटे के गोले से 70-80% ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। विदर्भ स्टाइल पूरन पोली में आटा ये सिर्फ नाम का रहता है, आगे मैं दिखाती हूँ। देखो इस प्रकार आटे में पूरन रखकर जिस तरह मोदक तैयार करते हैं ना, उसी प्रकार हमें तैयार कर लेना है। इसे ऐसे अच्छे से बंद कर लेना है। और अब हमें सरफेस पे तेल लगाकर इसे छोटी रोटी के साइज में प्रेस करते जाना है। अगर आपको ये हार्ड लगे तो प्लास्टिक के शीट पर आप रखकर इसे पूरन पोली बना सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ऐसे पूरन दिख रहा है, इसी तरह हमें पूरन पोली चाहिए। अब इसे हल्के हाथों से पूरन पोली को उठा लेते हैं और इसे तवे पे सेक लेते हैं। तवे पे थोड़ा सा घी डालना है और पूरन पोली धीरे से रख देते हैं। आप यहाँ पर घी या तेल का भी यूज कर सकते हो। घी में इसे अच्छे से सेक लेना है, बिल्कुल लो हीट पर पूरन पोली को पकाना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। और काफी आराम से पूरन पोली को पलटा लेना है, भर भर के घी डालकर इसे पकाना है। टिप नंबर 10, पूरन पोली को लो टू मीडियम हीट पर ही पकाएं। हाई फ्लेम पर आप पकाओगे तो पूरन पोली जल सकती है और पूरन पोली के बाहर आ जाएगा। ये हो गई तैयार हमारी पूरन पोली। इसी प्रकार सारी पूरन पोली को बना लेते हैं। पूरन पोली को गर्मा गर्म सर्व करें, वो भी घी डालकर। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है पूरन पोली। विदर्भ स्टाइल पूरन पोली बनाने में है थोड़ी सी मुश्किल, पर खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।